ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है लारावेल के अंदर पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू इन लारावेल। ठीक है, मतलब हम अपने कंट्रोलर से अपने व्यू के अंदर डेटा किस तरह से पास करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोलर्स और व्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, अगर किसी ने कंट्रोलर्स और व्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा लारावेल के अंदर तो वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकता है। ठीक है, उसके बाद वो इस लेक्चर के ऊपर आएगा तो उसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, इसका क्या मतलब है भाई? देखो, कंट्रोलर हमारे पास एक क्या होती है, क्लास होती है जिसके अंदर एक्शन मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड बनाया था, अबाउट मेथड बनाया था, कॉन्टेक्ट का मेथड बनाया था। ठीक है, तो कंट्रोलर्स के अंदर जितना भी हम काम परफॉर्म करवाते हैं वो जो कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड्स होते हैं उनकी मदद से हम अपना सारा काम परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, और मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी भी लॉजिक है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। और कंट्रोलर के अंदर क्या होते हैं, एक्शन मेथड्स होते हैं। इसका मतलब जितनी भी लॉजिक्स होती हैं, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन की, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, कंट्रोलर क्लास के अंदर जो एक्शन मेथड्स होते हैं उनके अंदर हम अपनी लॉजिक्स इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर व्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था आपकी एप्लीकेशन का जितना भी यूजर इंटरफेस होता है, जो आपकी वेबसाइट के यूजर को नजर आता है, ठीक है, वो सारा काम हम वहां पे करते हैं, व्यू के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, मैंने क्या बताया, हम लॉजिक्स कहाँ पे लगाते हैं, कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड्स होते हैं उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लॉजिक्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब जो इफ कंडीशन लगाते हैं और बहुत सारी लॉजिक्स लगाते हैं, तो उसका आउटपुट हम डिस्प्ले कहाँ करवाते हैं, उसका आउटपुट हम अपने व्यू में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, अपने यूजर इंटरफेस में यूजर को दिखाते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम लॉजिक्स लिखते हैं कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, तो उनका जो भी आउटपुट है वो हम कहाँ पे पास करते हैं, व्यू के अंदर पास करते हैं ताकि हमारे यूजर को नजर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल बताऊं, हम क्रड ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला काम हम करते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी हम एक डेटा इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है, डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और जब हम डिलीट करते हैं डेटा तो मैसेज आता है, डेटा हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो ये जितनी भी लॉजिक्स हैं ये हम लगाते कहाँ पर हैं, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, डिलीट करने की लॉजिक, अपडेट करने की लॉजिक, इंसर्ट करने की लॉजिक्स, ये सारा काम हम करते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। लेकिन जब इंसर्ट हो जाता है या अपडेट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, उसका जो आउटपुट होता है वो हम डिस्प्ले कहाँ पे करवाते हैं, अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं ताकि मेरे यूजर को पता चल सके कि ये उसका आउटपुट है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम लॉजिक्स लगाते हैं उसका जो भी आउटपुट होता है, उसका जो भी डेटा होता है, वो हमें अपने व्यू के अंदर पास करवाना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंट्रोलर का जो भी डेटा होता है, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर जो भी हम डेटा जनरेट करते हैं लॉजिक्स लगा के, उस डेटा को व्यू में किस तरह से पास करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, लारावेल के अंदर हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं वो एमवीसी के ऊपर बेस करती है, और एमवीसी का मतलब कंट्रोलर अलग होगा, ठीक है, व्यू अलग होगा और मॉडल एक सेपरेट जगह पे होगा। ठीक है, तो यही वजह है कि हमें कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, इसको हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ पासिंग डेटा टू व्यूज। इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने कंट्रोलर का डेटा व्यूज में पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है बाय यूजिंग द नेम एरे। ठीक है, कि भाई हमें अगर एरे पास करवाना है, ठीक है, अपने कंट्रोलर से व्यू में, तो वो हम कैसे पास करेंगे, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं नेम एरे का, इसको भी देखेंगे अभी इसी लेक्चर में। फिर उसके बाद बाय यूजिंग विद फंक्शन। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है लारावेल के अंदर विद, ये हम क्यों यूज करते हैं, कंट्रोलर से डेटा व्यू में पास करवाने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, विद। ठीक है, फिर देखो थर्ड, बाय यूजिंग कॉम्पैक्ट फंक्शन। ठीक है, मतलब देखो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक विद है और एक कॉम्पैक्ट है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को ही यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर का डेटा, मतलब कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड्स होते हैं
उसका डेटा हम अपने व्यू में पास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये पहला तरीका बताता हूँ कि नेम एरे को यूज करके हम अपने कंट्रोलर का डेटा किस तरह से व्यू में पास करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द नेम एरे इज द एरे ऑफ डेटा दैट इज पास्ड एज द सेकेंड पैरामीटर टू द व्यू मेथड। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कंट्रोलर्स और व्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंट्रोलर्स और व्यूज का। ठीक है, तो कंट्रोलर्स के अंदर हमने एक्शन मेथड्स बनाए थे, इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, वो व्यू रिटर्न कर रहे थे, और व्यू कैसे रिटर्न कर रहे थे, व्यू मेथड की मदद से। अगर मैं आपको अपनी वो एप्लीकेशन दिखाऊं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी, मैं आ जाता हूं अपने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था जहां तक हमने कंट्रोलर्स और व्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं रिसोर्सेज के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे व्यूज। ठीक है, और व्यूज के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था होम। ठीक है, मैंने कंट्रोलर बनाया था होम कंट्रोलर, और मैंने आपको बताया था होम कंट्रोलर के अंदर जितने भी एक्शन मेथड्स होंगे उन सबके व्यूज मैंने यहाँ पे व्यूज के अंदर होम फोल्डर के अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पे ये इंडेक्स का व्यू दिखाऊं, ठीक है, इंडेक्स के ऊपर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, तो देखो ये इंडेक्स का व्यू नजर आ रहा होगा आपको, जिसके अंदर मैंने जस्ट दो लाइन यहाँ पे प्रिंट करवाई थी। ठीक है, और अगर मैं आपको इसका कंट्रोलर दिखाऊं, ठीक है, तो कंट्रोलर मैंने आपको बताया था कहाँ पे होते हैं, ऐप के ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, फिर HTTP की डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे कंट्रोलर्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने कंट्रोलर बनाया था होम कंट्रोलर। ठीक है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेथड्स बनाए थे, आपको नजर आ रहा होगा इंडेक्स। ठीक है, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये होम कंट्रोलर क्या है, बेसिकली एक क्लास है। ठीक है, जो क्या एक कंट्रोलर बेस क्लास को एक्सटेंड करती है, और यहाँ पे इंडेक्स का मैंने एक्शन मेथड बनाया था। देखो ये कौन सा व्यू रिटर्न कर रही है, होम के अंदर, मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं आपको ये व्यूज का फोल्डर दिखाऊं, ठीक है, तो देखो व्यूज के अंदर एक होम का फोल्डर है, उसके अंदर ये इंडेक्स का आपके पास व्यू मौजूद है। इसका मतलब जब भी हम होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को कॉल करेंगे तो ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, होम के अंदर जो इंडेक्स का व्यू है, मतलब ये वाला जो व्यू है, वो इसको रिटर्न करवाएगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था मैंने रूट्स भी डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, राउटिंग का एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था हमारे सारे रूट्स कहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, ये रूट्स के डायरेक्टरी में जाओ और यहाँ पे web.php में। ठीक है, सही, तो देखो ये आपके पास इंडेक्स का रूट मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमारे URL के अंदर ये URI टाइप होती है, ठीक है, मतलब इंडेक्स, तो कहाँ पे चले जाओ, होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स पे चले जाओ। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे अब आऊँ, ठीक है, अपने ब्राउजर पे, ठीक है, देखो यहाँ पे अपने URL में मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद मुझे इंडेक्स का मेथड कॉल करना है। ठीक है, और इंडेक्स का मेथड कॉल करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास इंडेक्स का व्यू नजर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आपको इंडेक्स का व्यू नजर आ रहा है, जिसके अंदर मैंने दो लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, देखो जैसे मैंने अपने URL में इंडेक्स टाइप किया तो मेरे पास ये इंडेक्स का व्यू एक्सेस हो गया। ठीक है, और ये कैसे हो रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे रूट्स डिफाइन किए हुए हैं, देखो इंडेक्स के लिए भी रूट डिफाइन किया हुआ है, अबाउट के लिए भी रूट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट के लिए भी मैंने व्यू रूट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा काम मैंने यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अब मेरे पास यहाँ पे होम कंट्रोलर में ये इंडेक्स का मेथड है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा होम कंट्रोलर है, ठीक है, इसके अंदर से मुझे डेटा पास करना है अपने इंडेक्स के व्यू में। तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है इंडेक्स के व्यू के अंदर, जो भी डेटा आ रहा है वो मैंने खुद लिखा है। ठीक है, मतलब ये डेटा हमारे कंट्रोलर से नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कंट्रोलर के अंदर किसी एक्शन मेथड से नहीं आ रहा ये डेटा, कहाँ पे, व्यू में। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके लिए मैंने आपको बताया पहला टेक्निक, मैं यहाँ पे नेम एरे यूज करूंगा। नेम एरे हम कब यूज करते हैं, जब हमें एरे ऑफ डेटा पास करवाना हो अपने कंट्रोलर से व्यू के अंदर, तो हम नेम एरे का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये एरे हम डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं, देखो हमारा ये जो व्यू मेथड है, ठीक है, इसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हम अपना एरे पास करते हैं। मतलब देखो ये जो मेरा व्यू मेथड है, ये जो मेरा इंडेक्स का आपके पास मेथड है, इसके अंदर ये मैं व्यू का मेथड यूज कर रहा हूँ। और व्यू का मेथड क्यों यूज करते हैं हम, किसी भी व्यू को रिटर्न करवाने के लिए। ठीक है, और ये इंडेक्स का एक्शन मेथड क्या कर रहा है,
होम का ही जो फोल्डर है ठीक है उसके अंदर इंडेक्स का एक व्यू है ठीक है उसको ये रिटर्न करवा रहा है ठीक है। तो अब देखो ये जो अब नेम एरे है ये मैं पास कहाँ पे करूंगा, इस व्यू मेथड के सेकंड पैरामीटर में ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो पहला पैरामीटर हो गया जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है होम डॉट इंडेक्स ठीक है। तो अब इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं एक एरे पास करता हूँ और एरे पास करने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट्स यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट्स का एरे बनाता हूँ ठीक है और वो पास करता हूँ ठीक है। और देखो यहाँ पे जो मैं एरे बनाऊंगा ना वो एक एसोसिएटिव एरे होगा ठीक है, मतलब मैं एक एसोसिएटिव एरे पास करवाऊंगा अपने कंट्रोलर से व्यू के अंदर ठीक है। और एसोसिएटिव एरे क्या होता है हमने पीएसपी के अंदर पढ़ा था, एसोसिएटिव एरे हम किसे कहते हैं जिसके अंदर कीज और वैल्यूज होती है ठीक है, मतलब की वैल्यू पेयर के अंदर हम एरे बनाते हैं ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है एसोसिएटिव एरे। तो मैं आप एक एसोसिएटिव एरे बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी की बनाता हूँ, मैं की का नाम कहता हूँ std1 ठीक है, मतलब स्टूडेंट वन ठीक है। और स्टूडेंट वन के अंदर मैं यहाँ पे मतलब ये std1 हमारी की हो गई और इस की पे मैं वैल्यू क्या स्टोर करवाता हूँ, मैं कहता हूँ अली ठीक है। और अब दूसरी की बनाता हूँ ठीक है और की यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स की होगी, मतलब वो क्या कहते हैं स्ट्रिंग की होगी ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ std2 और उसके बाद ये ऑपरेटर हमने यूज करना है और उस std2 की के ऊपर मैं कौन सा डेटा स्टोर करवाता हूँ, मैं कहता हूँ जेड ठीक है। और फिर एक तीसरी की बना लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ std3 ठीक है। और std3 की के ऊपर मैं एक स्टूडेंट स्टोर कर लेता हूँ, उसका नाम मैं कह देता हूँ उसामा ठीक है बेटा। तो देखो ये मैंने एक एरे पास कर दिया ठीक है। और ये एरे मैंने कहाँ पास किया है, जो मेरा व्यू का मेथड है ठीक है, इसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि पहले आर्ग्यूमेंट में तो व्यू का पाथ है ठीक है कि कौन सा व्यू हमें रिटर्न करवाना है। और इस व्यू पे मैं कौन सा एरे लेके जाना चाह रहा हूँ, कौन सा एरे पास करवा रहा हूँ, वो मैंने इस व्यू के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या कर दिया, सेकेंड पैरामीटर में पास कर दिया ठीक है। तो अब इस एरे को, ये जो मैंने सेकेंड पैरामीटर में एरे पास किया है, इसको मैं अपने इंडेक्स के व्यू में एक्सेस कैसे करूंगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आ जाता हूँ अपने व्यू में, इंडेक्स के व्यू में, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करता हूँ ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करता हूँ ठीक है। ol एंटर करते हैं और ol के अंदर हम li यूज करते हैं ठीक है, li मतलब लिस्ट आइटम्स ठीक है, मतलब ये जो एरे है ना, कौन सा, ये जो मैं एरे पास करवा रहा हूँ अपने इंडेक्स के व्यू में, मैं चाह रहा हूँ कि ये एरे लिस्ट की फॉर्म में, मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर प्रिंट होनी चाहिए ठीक है। तो अब देखो हमारे पास एक सिंटैक्स होता है ठीक है, जिसके थ्रू हम ये जो एरे है ना इसको एक्सेस करेंगे अपने व्यू के अंदर ठीक है। तो देखो li के अंदर मैं यहाँ पे दो दफा कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और दो दफा कर्ली ब्रैकेट ऑफ करता हूँ ठीक है। अच्छा देखो ये एक सिंटैक्स एंगुलर जीएस से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, अगर किसी ने एंगुलर जीएस पढ़ी है तो उसको याद होगा कि हम वहां पे भी इस तरह से ओपन करते थे ठीक है, दो कर्ली ब्रैकेट ऑन करते थे और दो कर्ली ब्रैकेट ऑफ करते थे और उसके अंदर एंगुलर एक्सप्रेशंस पास करते थे। लेकिन यहाँ पे इस सिंटैक्स को मैं कहता हूँ ब्लेड सिंटैक्स ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक टेम्पलेटिक इंजन होता है, मतलब जब भी हम व्यू बनाते हैं तो उसके बाद हम .blade.php लगाते हैं ठीक है, सही है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो मैं व्यू क्रिएट करूंगा वो ब्लेड सिंटैक्स की मदद से करूंगा ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑफ कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं बेसिकली ब्लेड सिंटैक्स। अब देखो ब्लेड टेम्पलेटिक इंजन पूरा एक टॉपिक है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस li के अंदर जो भी डेटा हमारे कंट्रोलर से आ रहा है, जो भी एरे हमारे पास कंट्रोलर से आ रहा है, उसको मैं इस ब्लेड सिंटैक्स के थ्रू li के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो मेरे पास यहाँ पे तीन कीज है ना, एक std1, std2 और std3। और आपको पता है कि जब भी हम एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज एक्सेस करते हैं तो उसकी कीज की मदद से एक्सेस करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो पहले li के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ $std1 ठीक है, मैंने क्या पास कर दिया $std1 ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखो ये जो मैं एरे पास कर रहा हूँ अपने इंडेक्स के व्यू पे ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा एरे जा रहा है कौन से व्यू पे, इंडेक्स के व्यू पे। तो यहाँ पे ये जो की है std1, std2, std3, इसको जब मैं अपने व्यू के अंदर एक्सेस करूंगा तो मैं उससे पहले डॉलर लगाऊंगा ठीक है,
मतलब एज अ वेरिएबल, डॉलर साइन हम पीएचपी में कब लगाते थे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एसोसिएटिव एरे की कीज है, STD1, STD2, STD3, इसको मैं एक वेरिएबल की तरह एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो, अब मैं इसी LI को कॉपी करता हूँ, मेरे पास तीन स्टूडेंट्स है ना, ठीक है। एक की का नाम था STD1, दूसरी का नाम था STD2 और तीसरी का नाम था STD3, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं अपना ये इंडेक्स का व्यू एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो अब मैं इसको जस्ट रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो आपको नजर आ रहा है अली, जैन और उसामा। अब ये डेटा मैंने अपने व्यू में डिस्प्ले करवाया है, ठीक है, अपने व्यू में डिस्प्ले करवाया है ब्लेड साइंटेक्स को यूज करके। लेकिन ये जो डेटा है ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है हमारे कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर ये जो मैंने एक्शन मेथड बनाया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, कंट्रोलर क्लास का सारा काम उसके एक्शन मेथड्स करते हैं, ठीक है। मतलब कंट्रोलर खुद कुछ नहीं है, वो जस्ट एक कंटेनर है, एक कंटेनर क्लास है, ठीक है। तो उसका डेटा जब मैं अपने व्यू में पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं व्यू में उसको इस तरह से रेंडर करवा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको अगर एरे पास करवाना है अपने कंट्रोलर से व्यू में, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एरे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, सेकेंड पैरामीटर में। कौन से मेथड के सेकेंड पैरामीटर में, व्यू मेथड के सेकेंड पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो एक टेक्निक तो ये हो गई, फिर इसके बाद दूसरी टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये एग्जाम्पल आपको भी करके बताई है, ठीक है, कि इंडेक्स का एक्शन मेथड था और उसके अंदर मैंने पहले आर्ग्यूमेंट पे पहले अपने व्यू का पाथ दिया था और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मैंने एसोसिएटिव एरे पास करवाया था अपने कंट्रोलर से अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, अब देखो वी कैन पास मल्टीपल एरेज फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, ठीक है। मतलब देखो अभी यहाँ पे मैं एक एरे पास कर रहा था, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे मैं एक एरे, एसोसिएटिव एरे पास कर रहा था अपने इंडेक्स के व्यू में। तो अगर मुझे मल्टीपल एरेज पास करने हो अपने इंडेक्स के व्यू में, तो तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके आप इसको कमेंट करो। और अब यहाँ पे मैं दो एरे बनाता हूँ, ठीक है, बल्कि पहले एक एरे बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर डेटा, ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं अपने एरे का नाम क्या रख रहा हूँ, मैं अपने एरे का नाम रखता हूँ स्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइंटेक्स क्या होता है, पहले आप वेरिएबल, ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ और अब मैं स्पोर्ट्स के नेम्स यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास फुटबॉल, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास हॉकी, ठीक है। तो ये तीन स्पोर्ट्स नेम्स का मैंने क्या बना लिया, एक एरे बना लिया। अब ये एरे मैं पास करवाना चाह रहा हूँ अपने व्यू में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिटर्न व्यू का मेथड, ठीक है, और सबसे पहले तो वो व्यू कहाँ पे मौजूद है, होम फोल्डर के अंदर इंडेक्स का व्यू है, इसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। और अब इसके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मैं क्या पास कर दूंगा, ये डेटा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है, और इसी के अंदर मैंने एक एरे स्टोर करवाया हुआ है जिसका क्या नाम है, स्पोर्ट्स। तो मतलब अब ये डेटा का एरे, मतलब सिंगल एरे में पास कहाँ पे करवा रहा हूँ, अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है। तो देखो अब ये जो एरे है इसका नाम क्या है, स्पोर्ट्स। तो अब इसको मैं एक्सेस कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने अपने एरे का क्या नाम रखा है, स्पोर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक ही एरे है ना, ठीक है, ये एक एरे है, इसके जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर है, क्रिकेट, वन इंडेक्स पे क्या स्टोर है, फुटबॉल, टू इंडेक्स पे क्या स्टोर है, हॉकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में यहाँ पे जीरो पास कर देता हूँ, ठीक है, और फिर सेम इसी तरह जो दूसरा LI है, ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ वन, ठीक है, और फिर सेम इसी तरह इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ टू, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे आके सिर्फ एक एरे पास कर रहा हूँ, मतलब एक, अब देखो ये एसोसिएटिव एरे नहीं है, ठीक है, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव एरे के अंदर हमें कीज स्पेसिफाई करनी पड़ती थी ना, ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज हैं और इनकी कीज क्या है, उनका इंडेक्स नंबर, ठीक है, मतलब ये जीरो पे स्टोर है, ये वन पे स्टोर है, ठीक है। और इस एरे का क्या नाम है, स्पोर्ट्स, और इसको मैं एक्सेस कैसे कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स का जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको फर्स्ट LI में प्रिंट करवाओ, फिर सेकेंड LI में प्रिंट करवाओ, फिर थर्ड LI के अंदर प्रिंट करवाओ, ठीक है।
तो अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आके अब देखो, अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि मैं इसी इंडेक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, अब देखो क्या आ गया, क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, सही है। तो ये मैंने अपने कंट्रोलर से एक एरे पास कर दिया अपने व्यू में, ठीक है। लेकिन देखो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मल्टीपल एरेज हम कैसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अभी मैंने एक एरे बनाया ना, ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मैं एक और एरे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस एरे का नाम कह देता हूँ नेम्स, ठीक है, इस एरे का नाम मैं कह रहा हूँ नेम्स, और इसके अंदर मैं कुछ नेम्स स्टोर करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे आदिल, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ अली, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ अनस, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस करो, ये मैंने दो एरेज तो बनाए हैं, ठीक है, एक स्पोर्ट्स और एक नेम्स, लेकिन इनके लिए मैं वेरिएबल एक ही यूज कर रहा हूँ, कौन सा, डेटा। इसका मतलब ये स्पोर्ट्स का एरे और नेम्स का एरे, ये दोनों एरे कहाँ पे स्टोर हुए हैं, डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हैं, ठीक है। और अब इनको एक्सेस कैसे करूंगा, यहाँ पे देखना, देखो ये जो ओएल है इसके अंदर तो मैंने स्पोर्ट्स को एक्सेस कर लिया ना, अब मैं इसी ओएल को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे नेम्स पास कर देता हूँ, ठीक है, मतलब वो जो डेटा का वेरिएबल मैं पास कर रहा था अपने व्यू में, उसके अंदर एक स्पोर्ट्स का एरे था और एक नेम्स का था। तो स्पोर्ट्स का एरे तो मैंने ऊपर प्रिंट करवा दिया ओएल के अंदर, ठीक है, और अब वो जो बाकी तीन नेम्स थे वो मैं इस ओएल के अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो आदिल, अली और अनस यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब एक और ओएल बन गया, मतलब मल्टीपल एरे अब मैंने पास किए हैं, ठीक है, देखो मल्टीपल एरे मैंने पास किए हैं, ठीक है, और उन दोनों एरेज को मैंने एक डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, और अब वो डेटा वेरिएबल मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने इंडेक्स के व्यू में पास कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी पहली टेक्निक, ठीक है, कौन सी टेक्निक, ये जो मैंने आपको बताया नेम एरे की, मैंने आपको यहाँ पे तीन टेक्निक्स बताई हैं, ठीक है, एक नेम एरे है, और उसके बाद अब सेकंड टेक्निक की बात करते हैं विद फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन ऑल्सो यूज द विद फंक्शन टू पास द डेटा टू द व्यूज, ठीक है, मतलब हम विद का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं अपने कंट्रोलर का डेटा अपने व्यू में पास करने के लिए, ठीक है। द विद फंक्शन कंटेन्स टू पैरामीटर्स, ठीक है, मतलब आपका ये जो विद फंक्शन है वो दो पैरामीटर्स कंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल इसकी दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसी तरह इंडेक्स का एक्शन मेथड है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका क्या नाम है, नेम, ठीक है, और इसके वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर की है, अपने चैनल का नाम, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। तो ये जो हमारे चैनल का नाम है वो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे चैनल का नाम है लर्निंग नेवर एंड्स, ये मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया है ना, तो इस वेरिएबल को अब मैं पास करवाना चाह रहा हूँ अपने इंडेक्स के व्यू में। तो देखो, अब ये जो नेम का वेरिएबल है इसको मैं अपने इंडेक्स के व्यू में पास कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले उसी तरह रिटर्न व्यू और आपके इंडेक्स व्यू का पाथ, और अब देखो, अब यहाँ पे देखो एक एरो साइन आपको नजर आ रही होगी, ये डैश का सिंबल है और उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल है, उसके बाद यहाँ पे मैं मेथड यूज कर रहा हूँ विद, ठीक है। अब देखो विद मेथड हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें किसी वेरिएबल का डेटा पास करना हो अपने व्यू में, ठीक है, अपने कंट्रोलर से किसी भी वेरिएबल का डेटा अपने व्यू में पास करना हो तो हम यूज करते हैं विद फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर जिस तरह मैंने ऊपर बताया दो पैरामीटर्स आते हैं, पहले पैरामीटर में आती है उसकी की, ठीक है, सही है, जिस तरह एसोसिएटिव एरे के अंदर हमने देखा था कि की के ऊपर उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एसोसिएटिव एरे पास नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल पास कर रहे हैं। तो सिंगल वेरिएबल जब भी आप पास करोगे विद फंक्शन की मदद से, आपको सबसे पहले उसकी की बनानी पड़ेगी, उसकी की का क्या नाम है, नेम, ठीक है। मैंने मतलब ये की का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जिस तरह से आप एक वेरिएबल का नाम रखते हो। तो देखो मैंने अपनी की का नाम रखा है यहाँ पे नेम, और इस नेम की के ऊपर मैं कौन से वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, नेम, और ये नेम कौन सा वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने लर्निंग नेवर एंड्स स्टोर करवाया है, ठीक है। तो ये जो नेम वाला वेरिएबल है वो मैं नेम की ही की के ऊपर असाइन कर रहा हूँ, और उसको कहाँ पे भेज रहा हूँ, अपने इंडेक्स के व्यू में भेज रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे करके दिखाऊं, ठीक है, देखो
ये जो डेटा है इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और अब यहाँ पे आके इसी इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर हम अपने चैनल का नाम स्टोर कर देते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये वेरिएबल मैं अपने व्यू में पास करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न और फिर व्यू, ठीक है। और उसके पहले आर्ग्यूमेंट में तो इंडेक्स का व्यू कहाँ पे मौजूद है, वो होम फोल्डर के अंदर यहाँ पे इंडेक्स के मतलब मौजूद है, ठीक है। ये इंडेक्स का व्यू कहाँ पे मौजूद है, होम के अंदर, तो तभी मैंने होम डॉट इंडेक्स लिखा, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट पड़ा हुआ होता, मतलब अगर ये इंडेक्स का व्यू डायरेक्ट व्यूज के फोल्डर में होता, ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी ये जो इंडेक्स का व्यू है ये होम के अंदर है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट व्यूज के अंदर रखा हुआ होता, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको होम डॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे होम डॉट लगाना है, ठीक है। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस व्यू पे मुझे ये वाला वेरिएबल भेजना है जिसके अंदर क्या स्टोर है, लर्निंग नेवर एंड्स। तो अब मैं विद फंक्शन यूज करूंगा। तो विद फंक्शन यूज कैसे करना है, देखो ये जो व्यू का मेथड है इसका ये जो ब्रैकेट बंद हो रहा है, ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे डैश लगाना है और फिर ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे विद फंक्शन कॉल करोगे और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे और विद फंक्शन के पहले आर्ग्यूमेंट में आप क्या दोगे, अपनी की का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे की का नाम कहता हूँ चैनल नेम, ठीक है, सही है। मैंने अपनी की का नाम क्या रख दिया, चैनल नेम, ठीक है। जिस तरह आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो, ठीक है, उसी तरह आप इस यहाँ पे इस की का नाम भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं कह रहा हूँ इस चैनल नेम की के ऊपर मैं कौन सा वेरिएबल स्टोर करवा रहा हूँ, ये वाला डॉलर नेम, ठीक है। और डॉलर नेम के अंदर क्या है, हमारे चैनल का नाम लर्निंग नेवर है, ठीक है। तो मतलब अब जब मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा, ठीक है, अपने व्यू के अंदर, तो कौन सी की यूज करूंगा, चैनल नेम। तो इस की को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आता हूँ। अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास जितना भी कोड है, ठीक है, जो मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाई है, दो ऑर्डर लिस्ट बनाई है, इसके अंदर मैंने ब्लेड सिंटैक्स यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों ऑर्डर लिस्ट को कमेंट करना है तो आप इस तरह से कमेंट नहीं करोगे जिस तरह से हम HTML में करते थे, ठीक है। HTML में हम किस तरह से कमेंट करते थे, देखो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ, ठीक है, तो ये कमेंट कर देगा। और HTML के कमेंट में क्या होता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, शुरू में हम ये लगाते हैं जब भी हम HTML के अंदर कमेंट्स करते हैं, ठीक है, और जब हम कमेंट ऑफ करते हैं तो एंड में क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ HTML का कोड मैंने कमेंट नहीं किया, बल्कि इसके अंदर यहाँ पे देखो ये ब्लेड सिंटैक्स था, ठीक है, लेकिन ये ब्लेड सिंटैक्स कमेंट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर ये जो मेरे पास ये वाला मैंने जो वेरिएबल भेजा है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे आके कॉल करूँ, यहाँ पे H2 का टैग बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ माई चैनल नेम इज, ठीक है, और यहाँ पे आके अब दोबारा मुझे वो ब्लेड सिंटैक्स ओपन करना है और मैंने अपनी की का नाम क्या रखा था, चैनल नेम, ठीक है, और इससे पहले मैं क्या लगा दूंगा, डॉलर, क्योंकि जब भी आप कोई भी की एक्सेस करोगे, कोई भी वेरिएबल एक्सेस करोगे, तो उसको आप एज अ वेरिएबल एक्सेस करोगे और उसके शुरू में और एंड में आप क्या लगा दोगे, ये ब्लेड सिंटैक्स लगा दोगे जो कि डबल कर्ली ब्रैकेट है, ऑन है और ऑफ है, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आके रन करूँ इस लाइन को, देखो इस लाइन में कोई मसला नहीं है, एरर कहाँ पे आएगा, एरर आएगा इस कोड पे जो मैंने कमेंट किया हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने कमेंट किया है इसके अंदर मैंने HTML कमेंट को यूज किया है, लेकिन ये जो पूरा कोड है ये सिर्फ HTML का कोड नहीं है, इसके अंदर हमारा ये जो ब्लेड सिंटैक्स है वो भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको सेव करूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आप रिजल्ट देखना, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, ठीक है, तो देखो एरर कहाँ पे दे रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखो एरर आपको क्या दे रहा था, अनडिफाइंड वेरिएबल स्पोर्ट्स, ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स का वेरिएबल डिफाइन नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसको कमेंट कर दिया था ना, लेकिन कमेंट सही तरह हुआ नहीं, ठीक है, तभी यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। और मतलब अगर आपके HTML कोड के अंदर ये ब्लेड सिंटैक्स होगा तो उसको आप कमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा ये वाला जो कोड है, मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, इस कोड को मुझे कमेंट करना है, लेकिन इसके अंदर
हमारे पास क्या है, ब्लेड साइंटेक्स है। तो अगर ब्लेड साइंटेक्स को भी आप कमेंट करना चाह रहे हो तो आप शुरू में क्या करोगे, देखो शुरू में आप यहाँ पे इस तरह से दो कर्ली ब्रैकेट ऑन करोगे और उसके बाद दो दफा डैश लगाओगे, ठीक है। और जहां पे ये कोड आपका एंड हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे, दो दफा डैश लगाओगे और उसके बाद यहाँ पे आप दो दफा कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा कि यहाँ पे कमेंट एंड हो रहा है और कमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कमेंट स्टार्ट आपके पास यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके, क्योंकि देखो इस लाइन में कोई मसला नहीं था, इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल कॉल करवा रहा हूँ जिसका क्या नाम है, चैनल नेम, ठीक है। और ये वेरिएबल आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है हमारे कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड से, ठीक है। और ये जो वेरिएबल आ रहा है ये कौन से फंक्शन की मदद से आ रहा है, विद फंक्शन की मदद से आ रहा है, मतलब विद फंक्शन को यूज करके मेरा जो भी वेरिएबल है उसको मैं इस की के ऊपर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और अब इस की को मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने इंडेक्स के व्यू में। तो देखो अगर अपने इंडेक्स के व्यू में आऊँ तो देखो यहाँ पे मैं ब्लेड साइंटेक्स को यूज करते हुए अपना वो वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सेव करूँ, ठीक है, यहाँ पे आके सेव करते हैं, और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, माई चैनल नेम इज लर्निंग नेवर एंड्स। और ये लर्निंग नेवर एंड्स का जो वेरिएबल बनाया था वो मैंने कहाँ पे बनाया था, कंट्रोलर में, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स एक्शन मेथड था उसके अंदर मैंने बनाया था। और अब उस वेरिएबल को मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने व्यू में, ठीक है। तो ये सेकंड तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने कंट्रोलर का डेटा अपने व्यू के अंदर पास कर सकते हो, ठीक है बेटा, सही है। तो अब आते हैं तीसरे तरीके के ऊपर, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, अब आते हैं तीसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, कॉम्पैक्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखो कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या कह रहा है, द कॉम्पैक्ट फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू पास डेटा टू व्यूज, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज करके हम अपने कंट्रोलर का डेटा व्यूज में पास कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखो इट कंटेन्स अ सिंगल पैरामीटर, ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट का फंक्शन है ये सिंगल पैरामीटर लेता है, जबकि विद का फंक्शन दो पैरामीटर लेता था, ठीक है। और कॉम्पैक्ट आपके पास एक जो सिंगल पैरामीटर लेता है उसके अंदर होता क्या है, द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, मतलब आपको कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर कोई की बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम पास कर सकते हो। किस तरह से, देखो एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे वही इंडेक्स एक्शन मेथड बनाया है और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम और उसके अंदर वही वैल्यू है लर्निंग नेवर एंड्स। अब ये वेरिएबल मैं अपने इंडेक्स के व्यू में पास करवाना चाह रहा हूँ, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो व्यू का मेथड है जिसके पहले आर्ग्यूमेंट में इंडेक्स व्यू का पाथ है, तो इसी के सेकेंड आर्ग्यूमेंट में अब मैं क्या पास कर रहा हूँ, कॉम्पैक्ट का फंक्शन। सेम उसी तरह जिस तरह सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैं एरे पास कर रहा था, ठीक है, तो सेम उसी तरह अब मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट का फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो कॉम्पैक्ट के फंक्शन के अंदर एक ही पैरामीटर मैंने दिया हुआ है और ये पैरामीटर पता है क्या है, ये पैरामीटर है हमारे वेरिएबल का नाम, ठीक है, मतलब विद के अंदर, विद फंक्शन के अंदर हमें की और फिर उसकी वैल्यू पास करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल का नाम सेट करोगे वो वही नाम होना चाहिए जो आपके वेरिएबल का नाम है, ठीक है, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम नेम है ना, तो तभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे कॉल करवा लिया। तो इससे क्या होगा कि ये जो नेम वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर है, लर्निंग नेवर एंड्स, ठीक है, तो मैं उसको कहाँ पे भेज रहा हूँ, अपने इंडेक्स के व्यू में भेज रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो भी आप अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे सेम वही नाम आप कॉम्पैक्ट के फंक्शन के अंदर दे दोगे सिंगल कोट के अंदर, ठीक है। और कॉम्पैक्ट का फंक्शन क्या करेगा, इसको इंडेक्स के व्यू में पास कर देगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, तो देखो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, कंट्रोल सी और फिर इसको कमेंट कर लेता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और अब यहां पे आके इसको पेस्ट करता हूं। और अब मैं यहां पे आके विद का फंक्शन यूज नहीं करूंगा। अच्छा देखो ये जो विद का फंक्शन था ये व्यू का ये जो ब्रेसिस है पैरेंथेसिस है उसके बाद मैंने लिखा था, लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट का फंक्शन है ना वो हम व्यू के सेकंड पैरामीटर में पास करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट लिखता हूँ और इसके अंदर अब देखो मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, नेम, ठीक है, तो लाजमी जो आपके वेरिएबल का नाम होगा वही आप कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर दोगे। मेरे वेरिएबल का नाम क्या रखा है मैंने, नेम, तो मैं यहाँ पे जस्ट पास कर दूंगा नेम, ठीक है, मतलब आपको डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे,
कॉम्पैक के फंक्शन के अंदर आपको डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट आपके वेरिएबल का नाम क्या था, नेम, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। और अब मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ अपने इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं अपने इंडेक्स के व्यू पे जाऊं तो देखो, जिस तरह विथ फंक्शन के थ्रू मैंने वेरिएबल एक्सेस किया था ना, सेम उसी तरह आप किसके थ्रू एक्सेस करोगे, कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो अब यहाँ पे चैनल नेम नहीं है, ठीक है, हमारे वेरिएबल का क्या नाम है, नेम, जो कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन मेथड से आ रहा है। तो अब यहाँ पे जब आप इसको एक्सेस करोगे तब आप डॉलर लाजमी लगाओगे, ठीक है, सही है। तो अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कोई आपके पास डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि पहले मैंने विद फंक्शन यूज किया था और अब मैंने कॉम्पैक्ट फंक्शन यूज किया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, अभी तो मैंने कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज करके एक वेरिएबल पास किया है ना अपने इंडेक्स के व्यू में, आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी पास कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कंट्रोलर में और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाता हूँ और मैं उस दूसरे वेरिएबल का नाम रखता हूँ ऑथर, ठीक है। हमारा ये जो चैनल है उसका ऑथर कौन है, मैं हूँ, ठीक है, और मेरा नाम क्या है यहाँ पे, मोहम्मद आदिल, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉम्पैक्ट फंक्शन की मदद से, ठीक है, मुझे नेम और ऑथर ये दोनों वेरिएबल्स कहाँ पे भेजने हैं, इंडेक्स के व्यू पे भेजने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके देखो, कॉम्पैक्ट के पहले पैरामीटर में मैंने क्या पास किया, नेम, और मैं कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर, अब मैंने इस वेरिएबल का क्या नाम रखा था, ऑथर, ठीक है। तो मैं ऑथर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसके सेकेंड, मतलब इस तरह से आप जितने चाहे वेरिएबल्स कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू इंडेक्स व्यू में पास कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे कि कॉम्पैक्ट फंक्शन के अंदर आप जो भी नाम दोगे वो वही नाम होना चाहिए जो आपके एक्चुअल वेरिएबल का नाम है, ठीक है, वरना वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं ऑथर को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं H2 को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसी के नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑथर नेम इज, ठीक है। और अब यहाँ पे उसके लिए वेरिएबल मैंने कौन सा भेजा है कंट्रोलर से, उसका नाम क्या है, ऑथर, ठीक है। और एक्सेस करूंगा व्यू में तो उससे पहले क्या लगा दूंगा, डॉलर साइन, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे आके अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही रिफ्रेश किया, आप देखो, अब कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू मैं दो वेरिएबल्स अपने कंट्रोलर से पास कर रहा हूँ अपने व्यूज के अंदर, ठीक है। पहला वेरिएबल चैनल नाम था, ठीक है, चैनल का नाम, और दूसरा ऑथर नेम, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास टॉपिक था, पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू इन लारावेल। क्लियर है यहाँ तक?